Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. So this lecture is about the respiratory organ in animals. किसी कुछ animals के अंदर हमें respiratory organs के बारे में जानना है. So this lecture is about the respiratory organ of cnidarians and earthworm. Hydra और earthworm के respiratory organ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं about hydra. So if we talk about hydra, so hydra is a cnidarian. Hydra phylum cnidaria से ताल्लुक रखता है, एक cnidarian है. हाइड्रा डो नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पायरेटरी ऑर्गन, इसके अंदर कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता जिसके अंदर से ये रेस्पायरेशन करता है. हाइड्रा के अंदर यह करैक्टर मौजूद है, तो ऑब्वियसली नाइडेरियस के अंदर भी यही करैक्टर मौजूद होगा. सिर्फ डो नॉट हैव प्रॉपर रेस्पायरेटरी ऑर्गन, उनके अंदर कोई प्रॉपर रेस्पायरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता. गैस एक्सचेंज अक्कर डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन. रेस्पायरेशन तो ऑब्वियसली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होनी है, लेकिन अगर हाइड्रा के अंदर कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है तो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होगा. सो गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है डायरेक्टली फ्रॉम डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही उनके अंदर गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है. हाइड्रा हमने जाना कि एक cnidarian है जो कि फाइलम cnidaria से ताल्लुक रखता है. इसके अंदर कोई भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन, कोई स्पेशल रेस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है. इनके अंदर गैसेज एक्सचेंज होती है वो डायरेक्टली होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इनके अंदर से रेस्पायरेशन या गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है. के बाद जो है हम जानते हैं अबाउट द रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म के अंदर रेस्पायरेशन किस तरीके से होती है, इनके अंदर कौन सा रेस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है. सो अर्थवॉर्म इज़ अ एनलीड, बिलोंग टू द फाइलम एनलीडा. अर्थवॉर्म जो है एक एनलीड है जो कि फाइलम एनलीडा से बिलोंग करता है. अर्थवॉर्म हैज़ मॉइस्ट स्किन, इनके अंदर मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होती है जो कि एक्ट एज रेस्पायरेटरी सरफेस. वो एक रेस्पायरेटरी सरफेस के तौर पर काम करती है. हमने जाना था कि वेट सरफेसेस मौजूद होंगी जिसके अंदर से वो रेस्पायरेशन करेंगे, तो अर्थवॉर्म के अंदर भी मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होती है जिसके वजह से वो रेस्पायरेशन करता है, वो उसकी रेस्पायरेटरी सरफेस है. इन द स्किन गॉबलेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट दैट प्रोड्यूस म्यूकस. अब म्यूकस क्या है? म्यूकस एक लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसके अंदर प्रेजेंट होती है. ये जो है मोस्टली वाटरी फॉर्म के अंदर होती है, बट इट वर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. तो इनकी स्किन के अंदर गॉबलेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दैट प्रोड्यूस म्यूकस, जो कि गॉबलेट ग्लैंड का काम है कि वो म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगे. ये एक वाटरी लेयर है या वाटरी सेल की तरह है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर भी कभी कभी काम करती है. सो दे हैव क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इफेक्टिवली एडेप्टेडली ट्रांसपोर्ट गैसेस. इसके अंदर क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट है गैसेस का वो फास्टली होता है. ओपन टाइप के अंदर अगर हम बात करें तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमेशा स्लो होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, लेकिन अगर हम क्लोज टाइप की बात करें तो एनलीडा के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है दैट इफेक्टिवली एंड रैपिडली ट्रांसपोर्ट द गैसेज, जो बहुत ही तेज़ी से जिसकी वजह से गैसेज ट्रांसपोर्ट हो जाती है. सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द हाइड्रा एंड रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म हमने जाना कि एनलीड है जिसके जो रेस्पायरेटरी सर्फेस है उसकी मॉइस्ट स्किन है. इसके साथ साथ हमने जाना कि इसकी स्किन के अंदर गॉबलेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत रैपिडली और बहुत फास्टली हो जाता है. सो दिस वाज वेरी सिंपल रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म एंड इन हाइड्रा. आई होप कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा. याद रखिएगा कि हाइड्रा और एनलीड की हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी है हाइड्रा अर्थवॉर्म की. हाइड्रा जो था एक cnidarian था, अर्थवॉर्म जो है एक एनलीड है, जो मोस्टली एनलीड है और मोस्टली cnidaria से उनके अंदर भी तकरीबन सेम टू सेम रेस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. आई होप कि आपको यह लेक्चर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.